हेलो मेरी वर्टी फैमिली, ये वीडियो जो है वो आप लोग पूरा वाच कीजिएगा। ये मैं किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं बनाई हूँ, मैं हर्ट हुई हूँ इसलिए बनाई हूँ, आप लोग पूरा वाच कीजिएगा। थैंक यू। हेलो मेरी वर्टी फैमिली, कैसे हैं आप लोग? हो आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और सबसे पहले जय माता दी। और दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल लैब गोस मधु पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ना कि बहुत से लोग क्या किए हैं, भगवान का मिसयूज़ कर रहे हैं, भगवान का फ़ोटो लगा करके और उन लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि अगर आप इसे लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे तो आपके साथ 24 घंटे के अंदर में ये बुरा होगा, वो बुरा होगा। तो नहीं अच्छा लगता। आप भगवान के साथ ऐसा भगवान का ऐसा इस्तेमाल ना करें प्लीज़। आप बनाइए, अच्छे अच्छे सॉन्ग लगाइए और अच्छी अच्छी बातें बोलिए, बट ये मत बोलिए कि अगर इसे लाइक नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे। भगवान के नाम पे आप सब्सक्राइबर मत खरीदिए, ठीक है? क्योंकि अच्छा और बुरा करने वाले भगवान ही होते हैं, तो आप उनका वास्ता मत दीजिए कि आप इसे नहीं सब्सक्राइब करोगे, नहीं लाइक करोगे तो आपके साथ 24 घंटे के अंदर में बुरा होगा। बहुत अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ, आज सुबह मैं स्क्रॉल कर रही थी, आँख भी ढंग से नहीं खुला हुआ था और मैसेज कमेंट देखने के लिए स्क्रॉल कर रही थी, तभी 2-3 आ गए मेरे पास कि रुको रुको रुको। तो मुझे लगा क्या है, मैं देखी भगवान का, तो भगवान का देख करके तो भाई खोलने का, ओपन करने का मन ही होता है। मैं सोची कि चलो हाथ जोड़ लूँगी, तो देखती हूँ कि उस पर लिखा हुआ था कि अगर इसे शेयर नहीं करोगे तो आपके साथ 24 घंटे के अंदर में बुरा होगा। तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देखिए हम तो शेयर कर देंगे किसी के साथ, लेकिन उसके पास जाता हूँ तो वो भी गाली देते हैं। क्योंकि मेरे पास भी 2-4 बार ऐसा हुआ, तो मुझे बहुत मन में मेरा बहुत गुस्सा हुआ। मेरे पास भी आया था कि अगर शेयर नहीं करोगे तो तुम्हारी माँ मर जाएगी। तो मुझे बहुत गुस्सा आया था कि भाई माँ को, बाप को और इस भगवान का ये करके। अब भगवान का होता तो फिर डर सा लगता कि चलो भाई करना ही है, कर ही देते हैं। तो इस तरह का वीडियो ना बनाए, अच्छी अच्छी बातें शेयर करें, अच्छी अच्छी बातें, अच्छा अच्छा सॉन्ग लगाएं। हम लोग भी करते हैं, सॉन्ग लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके कहने से किसी का बुरा नहीं होगा और आप भगवान के और भगवान के साथ और भगवान को जो मानते हैं उनके आस्था और विश्वास के साथ खिलवाड़ ना करें। प्लीज़ गाना लगाएं, अच्छी बातें लगाएं, बट ये सब मत शेयर कर। जो ज़बरदस्ती किसी के ऊपर ये नहीं थोपना चाहिए कि आप ये काम करो ही, तो इस तरह का वीडियो ना बना। मैंने देखा क्या किए हैं लोग, अभी हमारे राम जी आए हैं और अभी उनका छोटे छोटे बाल रूप का फोटो में वॉइस डाल दिया। रुको रुको, अगर तुम इसे सब्सक्राइब नहीं करोगे चैनल को, पहले बोल देंगे कि ये बातें करना चाहिए इससे। अरे भाई, आप मुझे लखपति करोड़पति बना रहे हो, खुद बन जाओ ना, खुद ही बन जाओ। क्यों क्यों वीडियो डाल रहे हो, क्यों ऐसे कर रहे हो किसी के साथ, किसी की अभावना के साथ खिलवाड़ कर। मैं बहुत से मंदिर इसलिए जाना छोड़ दी कि वहाँ पूजा नहीं करने देते थे, उससे पहले ही दान दक्षिणा की बातें कर। भाई मेरे जिसका जो हैसियत है वो खुद ही करेगा, खुद ही आस्था है, खुद ही विश्वास है, फिर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और मैंने बहुत सारे लोगों को अभी देखी हूँ कि ऐसे वीडियो बना रहे हैं, भगवान को यूज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं बनाए, भगवान का बनाइए। बहुत से लोग बनाते हैं, अच्छे अच्छे सॉन्ग लगाते हैं जो कि एकदम दिल को सुकून देता है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। मैं बार बार सुनती हूँ ये सब सॉन्ग, मैं खुद भी बनाती हूँ। तो लेकिन ये नहीं कि आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे तो आपका बुरा हो जाए, तो इस तरह का मत बनाए प्लीज। और क्योंकि अच्छा और बुरा करने वाले भगवान खुद ही हैं, तो आप ये मत बताइए और अपने चैनल को के ऊपर बुराई मत लें, अपने ऊपर बुराई मत लें, अच्छी अच्छी बातें करें, ठीक है? और भगवान के नाम का के साथ खिलवाड़ ना करें, ठीक है? और मैं बताऊंगी कि ये सब कुछ भी नहीं होता है, कोई ये सब नहीं होता है। भगवान जन्म जब होता है ना इंसान का, तभी उसकी किस्मत लिख देते हैं। और मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती हूँ, मैं सिर्फ ईश्वर पर विश्वास करती हूँ, ईश्वर पर को। तो दोस्तों, अभी मैं सबसे हाजिर की यही प्रार्थना करूँगी कि जिनके जिनके पास ये वीडियो जाए तो भगवान का गलत इस्तेमाल ना करें, अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे सॉन्ग लगाएं। और आप लोगों को मैं बताऊँगी कि मेरे साथ ऐसा क्या घटना हुआ था जो मैं इन उलझुल जुलझुल बातों पे ध्यान नहीं देती हूँ, बस भगवान पे भरोसा रखती हूँ, भगवान को दिल में रखती हूँ, दिल से पूजती हूँ। और ये दिखावा उखावा और ये भगवान का वास्ता दे करके व्यूज़ बटोरना और किसी का किसी के विश्वास के साथ ये करना, खिलवाड़ करना, ये सब अच्छी
अच्छी बात नहीं है, आप व्यूज़ लीजिए अपने बलबूते पे लीजिए और सॉन्ग लगाइए, अच्छा अच्छा सॉन्ग लगाइए जो दिल को सुकून दे, ठीक है। और ये उलझ झुलझ की बातें नहीं कि रुको नहीं शेयर करोगे तो तुम्हारी माँ मर जाएगी, तुम्हारे 24 घंटे में बुरे नहीं जाएंगे, तो अरे भाई क्यों आपका चैनल कोई ये करेगा, आज तो कर देगा कल नहीं जाएगा, सब्सक्राइब कर देगा लाइक कर देगा लेकिन कल को आपकी चैनल पर कोई नहीं जाएगा, इसलिए नहीं जाएगा कि उसे लगेगा कि दूसरा वीडियो भी आपका उसी तरह का होगा, तो आदमी हर्ट होता है ना। मैं ही तो बोली हूँ कि मैं सुबह सुबह देखी हूँ, मुझे बहुत बुरा लगा कि इन लोगों तो भगवान का दो फोटो तीन फोटो चाहे एक ही फ़ोटो उठा लेंगे उस पर उल्टे सीधे बातें लगा देंगे, तो ये सही नहीं है, ठीक है। और रिक्वेस्ट करूँगी, मुझे नहीं अच्छा लगा इसलिए मैं बोली हूँ, और रिक्वेस्ट करूँगी कि इस तरह का वीडियो आगे नहीं बना। वैसे सब बनाया है, किसको किसको मैं रोक सकती हूँ, मैं किसी का तो करता धरता हूँ नहीं कि मैं सबको रोक लूँगी, सब अपने मर्जी के मालिक हैं, बट मैं बोलती हूँ जो अच्छे लोग हैं वो इस चीज़ को समझे, ये भगवान को इस्तेमाल ना करें, भगवान को कुम लगाना ही है तो अच्छे अच्छे उनके बारे में बातें बताएं। और मेरी बहुत सी फ्रेंड ऐसे ऐसी वीडियोस बनाती हैं जो देख करके दिल खुश हो जाता है, उनके सॉन्ग एकदम सुकून देता है दिल को दिमाग को, तो ऐसी चीज़ बनाइए, ये नहीं रुको रुको अरे मुझे तो लगा क्या हो गया, रुको रुको शेयर नहीं करोगे तो 24 घंटे में बुरे न्यूज आएंगे, तुम भगवान हो तो खुद के लिए कर लो, करोड़पति बन जाओ, खुद को चैनल पे क्यों डाल रहे हो। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से किसी को तकलीफ पहुंचा हो तो उनसे मैं क्षमा चाहती हूँ, बट मैं भी दुखी हुई थी इसलिए मैं बनाई हूँ। तो वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू।